माता वैष्णो देवी के मंदिर में नए साल के मौके पर हर बार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर साल यहां भक्तों की सुविधा का खास ख्याल भी रखा जाता है। वहीं आज सुबह श्रद्धालुओं में हुई आपसी बहस के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 12 की मौत हो गई और 13 लोग घायल भी हो गए। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। माता वैष्णो देवी के मंदिर में लाखों श्रद्धालु हर रोज दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन शनिवार को नए साल के मौके पर कुछ ज्यादा लोग यहां जमा हो गए थे। श्रद्धालुओं में आपसी बहस के चलते धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। इस घटना में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि घायलों की संख्या 13 बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह के मुताबिक किसी बात पर बहस को लेकर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि मृतकों और घायलों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मृतकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के एक एक श्रद्धालु शामिल हैं। अन्य की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। घटना की सूचना के बाद PM मोदी ने कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से हुई मौतों से अत्यंत दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे। उन्होंने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा, उधमपुर के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता और सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गौरतलब है, मामूली बहस से हुई धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मच जाने से 12 लोगों की जान जाना और कई लोगों का घायल हो जाना अत्यंत दुखद है। घायलों का इलाज किया जा रहा है और यह बात भी सामने आ रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।